राजधानी के कानोता थाना इलाके के जंगल में एक युवती अर्धनग्न अवस्था में मिली है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 26 वर्षीय युवती को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए ADCP ललित शर्मा सहित DCP ईस्ट राहुल जैन मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। इस दौरान युवती ने दीपेश चतुर्वेदी और कपिल शर्मा नाम के युवकों के खिलाफ यौन शोषण का आरोप दर्ज करवाया है। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती ने कपिल शर्मा नाम के पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ अक्टूबर 2018 में ज्योति नगर थाने में रेप का मामला भी दर्ज करवाया था। पीड़िता के अनुसार इस मामले में उसकी मदद करने के लिए दीपेश चतुर्वेदी नामक युवक ने लाखों रुपए की मांग की थी, लेकिन बाद में दीपेश ने उससे धोखाधड़ी की। जब पीड़िता को इस बात का पता चला तो वह कानोता दीपेश से मिलने गई, लेकिन वहां कपिल शर्मा भी मौजूद था। पीड़िता का आरोप है कि घर पर दोनों ने उसे बेहोश किया और होश आने पर वह अर्धनग्न अवस्था में थी। पुलिस की जांच में एक डॉक्टर की भूमिका भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।